जिला सहकारी केंद्र के हाल ही में लगी आग, 50 साल पुराना अनुपयोगी सामान जलकर खाक, महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं था हाल में मौजूद। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा शिवपुरी के कार्यालय अधीक्षक वीरेंद्र पाराशर ने बताया कि सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा शिवपुरी का हाल जो कि बैंक मुख्यालय से लगा हुआ है, जिसमें आग लगने की सूचना चपरासी सुरेंद्र कुमार श्रीवास द्वारा लगभग रात्रि 7:30 बजे दी गई। उन्होंने बताया कि बैंक मुख्यालय की बिल्डिंग के पास भूमि विकास प्रधान कार्यालय के नीचे का हाल जो कि बैंक के पास था, जिसमें शिवपुरी का लगभग 50 वर्ष पुराना सामान, अनुपयोगी लकड़ी अलमारी, कुर्सियां, लोहे की अलमारी, अन्य अनुपयोगी सामान रखा हुआ था। बैंक के जिस हॉल में आग लगी उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि कोई रिकॉर्ड नहीं है। मौके पर एसडीएम शिवपुरी भी पहुंचे, नगर पालिका की टीम भी पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के उपरांत अंदर जाकर देखा तो कुछ सामान सुरक्षित भी है, कुछ पुराने लकड़ी आदि के सामान में आग लगी है। सरकारी बैंक में आग लगने का क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये अभी सहकारी बैंक की जो बिल्डिंग है इसमें करीब 7:30 बजे आग लगने की सूचना जो बैंक के अधीक्षक हैं पाराशर जी, उनको उनके चौकीदार द्वारा बताया गया। उन्होंने तत्काल ही फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड भी समय पर आकर आग बुझाने का काम कर रही है और पुलिस अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आग के कारण क्या है, ये जांच के बाद ही पता होगा। पता जा रहा है इसमें रिपोर्ट रखा हुआ था और सरकारी बैंक विवादों में रहा है, रिपोर्ट को लेकर भी विवादों में और करोड़ों रुपए का गबन का मामले चल रहे हैं, तो इसमें लगता है कि किसी के षड्यंत्र के तहत इसमें आग लगा दी गई। ये तो जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही क्लियर होगा कि आग के कारण क्या है और जानबूझकर लगाई गई है या अज्ञात कारण से लगी है या क्या वजह है, ये जांच का विषय है। प्राथमिक तौर पर बैंक ने कुछ बताया किस चीज का रिकॉर्ड थे? हाँ, ये प्राथमिक तौर पर जो बैंक के अधीक्षक हैं मिस्टर पाराशर, उन्होंने मौखिक भी बताया और लिखित में भी दिया है हमको कि इसमें 50 वर्ष पुराना अनुपयोगी रिकॉर्ड और लकड़ी के फर्नीचर आदि रखे हुए हैं। जिस पोर्शन में आग लगी है वो कभी कभी ही खुलता था, उसमें कोई कर्मचारी वगैरह भी नहीं बैठे।